बोल बेबी बोल 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 अरे बोल पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, जीत जाएगा पार इस बार। भारत भाईजान, इस बार वर्ल्ड कप ना हम पाकिस्तान में ही लेकर आएंगे। क्या मस्त जोक मारा ना बाबा। नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ भाईजान, इस बार वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान के पास ही आएगा। तुमसे चाय का कप तो संभाला नहीं जाता रे बाबा। वर्ल्ड कप क्या अपने पिछवाड़े में डाल के ले जाएगा? और अगर लेकर आ गए तो? जब तुम्हारे वतन से हैंड पंप उखाड़ के ला सकते हैं, तो ये वर्ल्ड कप क्या चीज है रे बाबा। भाईजान डोंट क्रॉस योर लिमिट। अरे भैया क्या मस्त अंग्रेजी बोलता है रे तू बाबा, ये एकदम रॉकचिक। हमारे इंग्लिश का मजाक मत बनाओ आप, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। तुम्हारा मजाक हम कैसे बनाएगा रे बाबा, तुम तो खुद ही जक मजाक है। इस बार ना भारत भाईजान आप देख लेना, फतह हमारी ही होगी, वर्ल्ड कप हम ही लेकर जाएंगे, देख लेना आप। हाँ बेटे, वो कांच से बड़े सपने नहीं देखते पापू। तुझे पता है ना, वर्ल्ड कप लेने के चक्कर में तेरा चड्डी के साथ साथ हगवाड़ा भी फट जाएगा। हगवाड़ा बोले तो? वही चरे जिसको छुपाने के लिए तेरे चड्डी पहने हैं। अबे अग्गू का नहीं के पिच्छू का छिपाना। देखो भारत, तुम अपनी हद में रहो, है ना? हम तो हद में है रे अपनी, तुम अपनी सरहद में रहो ना, काहे को बार बार बेइज्जती करवाने आ जाते हो इंडिया में। तुम 26/11 का हमला भूल गए क्या? पूरे का पूरा हिंदुस्तान रुला दिया था हमने। भूल गए क्या एयर स्ट्राइक? हमने पूरे पाक को धोया था, वो भी आधी रात को। अरे भारत भाईजान, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। बेटा अगर मैंने मजाक शुरू किया ना, तो बेटा पाकिस्तान तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। सॉरी 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 भाईजान, पर हाँ इस बार तो वर्ल्ड कप में भारत ही जीतेगा। नहीं नहीं कुछ भी हो, पर इस बार वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतेगा। मैंने भी तो आपको वही बोला है। हाँ तो चलो इस बार मैच देखते हैं और साथ में बैठकर देखते हैं, क्योंकि ये खेल है, इससे ये थोड़ी ना डिसाइड होगा कि इंडिया या पाकिस्तान कौन ज्यादा जबरदस्त है। जिसके खिलाड़ी अच्छे होंगे वही जीतेगा ना। और जरा मैच देखते हैं। हाँ ठीक है, तब तक है ना मैं अमेजोन पे से टीवी ऑर्डर कर देता हूँ, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर ना वहाँ पे 10% की छूट चल रही है। नया टीवी क्यों? अरे ये वाला तो टूटने वाला।